हाय गाइस, आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इम्पॉर्टेंट क्यों है, प्रोटीन किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर के बारे में बात, प्रोटीन पाउडर का इम्पोर्टेंस, प्रोटीन का ओवरऑल साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स एंड क्या सोर्सेस है प्रोटीन का, आप लोग नेचुरली कैसे कंज्यूम कर सकते हो प्रोटीन, एंड डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सप्लीमेंट्स, एंड क्या डिफरेंस है प्रोटीन का, मतलब बेसिकली आप लोग जितना भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो प्रोटीन के बारे में, मैं आपको पूरा नॉलेज देने वाला हूँ इस वीडियो में, बट म्यूजिक के बाद। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस कि मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स हो गया मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया हूँ, एंड उसके लिए मैं बहुत दिल से सॉरी हूँ, क्योंकि मैं प्री ऑक्यूपाइड था, मेरे एग्जाम्स था एंड मैं थोड़ा बहुत नेग्लिजेंट भी हो गया था, बट अब से नहीं होगा क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करके। तो गाइज, मैं ये जो प्रोटीन के बारे में वीडियो नहीं बनाने वाला था, मैं एक्चुअली फैट लॉस या वेट लॉस के बारे में वीडियो बना रहा था, बट क्या हुआ ना कि हर एक ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी एक आपको हेल्दी होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाइट होता है, एंड डाइट में एक प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है, क्योंकि हर एक डाइट कहीं ना कहीं प्रोटीन फोकस रहता है। आपको कुछ भी करना हो वो चीज़ मैं बाद में प्रूफ भी कर दूंगा एंड मुझे आप लोग समझ भी जाओगे। तो इसलिए ये मोटो हो गया कि मैं पहले ये वाला वीडियो बनाऊँ कि जब मैं वेट लॉस या फैट लॉस का वीडियो बनाऊँ तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए, तो गाइस बेसिकली क्या होगा ना, ये जो टॉपिक है ये दो पार्ट में रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है एंड मैं लेंथी नहीं करता हूँ, तो दो पार्ट में रहेगा। एंड ये पूरा देखिएगा क्या होगा कि ये दोनों पार्ट एंड तक देखने के बाद आपको क्या होगा कि एक पूरा नॉलेज मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग एक स्टेट में रहोगे कि आपको कभी किसी से सजेशन नहीं लेना पड़े मे बी, क्योंकि एंड कभी कहीं पे भी आप लोग राउंड वर्ल्ड में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे फूड क्या कंज्यूम करना है अपना प्रोटीन को पूरा करने के लिए, एंड इसीलिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हो सके तो आप अपने पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर सबको दिखाइए, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे फैमिली में क्या होता है कि प्रोटीन अवेयरनेस नहीं होता, प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस नहीं होता या नेग्लिजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल पूरी फैमिली अनहेल्दी रहती है। तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया का हर एक फैमिली हेल्दी लाइफस्टाइल में जाए, एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ, क्योंकि अगर उनके में अवेयरनेस आएगा तो आपका ओवरऑल रूटीन सही हो जाएगा एंड पूरा फैमिली एक साथ हेल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि अकेले आप हेल्दी हो नहीं पाओगे, पूरा फैमिली को हेल्दी करोगे तो आप हेल्दी हो पाओगे, नहीं तो क्या होगा कि आपको किचन में जाना पड़ेगा एंड फिर डेली लाइफस्टाइल के साथ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मैंने शुरू में किया था, मुझे पता है कैसा होता है, बट मेरा फैमिली अब पूरा साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल जीते, तो सबको दिखाइएगा एंड ज़रूर पूरा देखिएगा, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो बेसिकली क्या है ना गाइस, प्रोटीन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, एंड क्या होता है ना कि हम लोग का जो भी फूड होता है वो 3 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में डिवाइडेड होता है, तो प्रोटीन उनमें से एक है एंड जो अदर जो होंगे वो कार्ब्स और फैट होंगे। बट आप लोग पूछा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, सो गाइस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड होता है जो हम लोग की बॉडी को मोस्ट ऑफ द एनर्जी देता है। सो गाइस प्रोटीन क्या होता है ना, अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, एंड अमीनो एसिड्स क्या होता है ना, हमारे बॉडी के सेल्स में जाकर फंक्शन करते हैं, एंड इनका क्या फंक्शन होता है कि बेसिकली हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में ये हेल्प करते हैं। सो गाइस हमारा बॉडी जो होता है ना, वो नेचुरली कुछ अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस कर लेता है एंड कुछ को नहीं करता है। टोटल में 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 12 के अराउंड हमारा बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर लेता है, कुछ नहीं भी खाओगे तो भी वो उतना प्रोड्यूस करेगा, एंड बाकी जो 9 अमीनो एसिड्स होता है वो हमारे बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, एंड जो वो 9 अमीनो एसिड्स को हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड बाकी 12 हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेता है। तो आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे इंसान लोग रहते हैं जो बहुत माल न्यूट्रिशन रहते हैं, क्या होता है ना वो प्रोटीन प्रॉपरली नहीं ले पाते, बट जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से उनका बॉडी चलते रहता है, तो बॉडी चल जाता है लेकिन हेल्दी बॉडी नहीं रहता है, ठीक है। एंड बहुत सारे जो जानवर है, जो एनिमल्स है, वो भी इसी तरह से सर्वाइव कर लेते, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग का बॉडी में एमिनो एसिड्स खुद प्रोड्यूस होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इसी से निकल के क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों होता है या अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जो भी गुड।
सो गाइज, जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, वो सर्वाइव नहीं कर सकता बिना एसेंशियल अमीनो एसिड्स के, जो 9 अमीनो एसिड्स है, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये हमारे बोन्स को बिल्ड करने में और जो हमारे जो टिश्यूज को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है, एंड जैसे कि मसल्स फॉर एग्जांपल, ये सब वो बिल्ड करने में हेल्प करता है। एंड लोगों को क्या होता है ना, मिसकंसेप्शन चलते आता है कि जो प्रोटीन होता है सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है या जिम जो करते हैं उनके लिए यूज़ होता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन सबको लेना चाहिए, एंड ये बात मैं इसी वीडियो में प्रूफ भी कर दूंगा आपको। बट उसके पहले जानते हैं कि प्रोटीन या अमीनो एसिड्स फंक्शन क्या क्या करते हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से वो इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस क्या होता है ना, जो प्रोटीन या अमीनो एसिड्स है वो हमारे सेल में रहते हैं, एंड क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के हर एक सेलुलर फंक्शन, मतलब बॉडी का कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंड वो हर एक सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है उसको इम्प्रूव करने में वो हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करता है हमारा प्रोटीन इनटेक। अगर हमारा प्रोटीन इनटेक अच्छा रहता है तो मेटाबॉलिक रेट इम्प्रूव अच्छा रहता है। जो सेलुलर रिपेयर होता है, अगर प्रोटीन अच्छा इनटेक है बॉडी में, प्रॉपर इनटेक हो रहा है प्रोटीन का जितना चाहिए, तो आपका सेलुलर रिपेयर बहुत अच्छा होगा। कभी आपका मसल टियर हो गया या कुछ भी हो गया तो बहुत जल्दी रिपेयर होगा, एंड ब्लड सेल्स भी फॉर्म करने में हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस करता है, जो भी आप सोचो बॉडी एक फंक्शन करता है वो डीप में प्रोटीन या अमीनो एसिड्स के हेल्प से ही होता है, क्योंकि वो सेल्स में इन्वॉल्व रहते हैं। सो गाइस, यहाँ से एक निकल के क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन किस टाइप के डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। ऐसा कोई डाइट फिक्स नहीं है जहाँ पर प्रोटीन इंक्लूड नहीं होता है। मैं बोलूँगा हर एक डाइट में प्रोटीन को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, चाहे वो आप मसल बिल्डिंग डाइट कर रहे हो या फैट लॉस डाइट कर रहे हो या बेसिकली मेंटेनेंस डाइट भी कर रहे हो, जहाँ पे आपको बॉडी मेंटेन रखना है वो डाइट में भी, या नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी अगर आप कोई डाइट कर रहे हो, मतलब कुछ भी खा रहे हो, तो प्रोटीन को तो आपको इंपॉर्टेंस देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपको एक हेल्दियर लाइफ, आपको एक हेल्दियर बॉडी पाने में, अचीव करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए प्रोटीन को तो इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। आप लोग इमेजिन करो, जब आज से 100 साल पहले जब राजा महाराजा के टाइम था या महाराणा प्रताप अकबर के टाइम का ले लो, वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग 7 फीट टॉल रहते थे, 6.5 फीट टॉल रहते थे, एंड उनका बॉडी में आर्मर रहता था इतना हैवी, जो कवच रहता था 100 kg का रहता था, भाला 100 kg का रहता था, तलवार 20-30-40 kg का रहता था, एंड वो लोग उससे फाइट करते थे। सोचो मतलब उनका बॉडी में कितना स्ट्रेंथ होता होगा, कितना मसल होता होगा। जेनेटिकली तो सब नहीं आता, कहीं ना कहीं डाइट होता है इम्पॉर्टेंट, एंड वो लोग डाइट लेते भी थे वैसा, बहुत नेचुरल सोर्सेस ऑफ फूड्स लेते थे जहाँ पे प्रोटीन एडिक्वेट उनको मिलता था, एंड इसीलिए, एंड जो लोग उस टाइम में नॉनवेज खाते थे तो उस समय भी कितना ज़्यादा नॉनवेज खाते थे। कभी आप लोग पढ़ोगे उनके बारे में तो कितना हैवी डाइट लेते, तो वो आपको समझ में आएगा। उनका उसी लेवल से वर्कआउट भी होता था, हम लोग अभी तक उस लेवल में कभी करते नहीं हैं। सो जेनेटिकली बहुत लोगों को हेल्प होता है, जैसे लैरी विल्स है। लैरी विल्स के बारे में देखोगे तो बहुत बड़ा वेट लिफ्टर है वो, एंड उनका जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, हाईएस्ट वेट लिफ्टर है वर्ल्ड के लैरी विल्स। तो ऐसे जेनेटिकली प्रोवाइड, अगर सपोज करो ड्वेन जॉनसन जो एक्टर है, जिसको आप लोग रॉक के साथ द रॉक के नाम से भी जानते हो, उनका जेनेटिक्स इतना स्ट्रांग है, अगर उनका कोई बेटा उटा होगा तो उसका जेनेटिक्स बहुत अच्छा आएगा, एंड कहीं ना कहीं बॉडी होगा, लेकिन उसको बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी खाना खाना पड़ेगा, एंड अपने पापा के लेवल का भी बॉडी पाने के लिए भी उसको प्रोटीन और इनटेक करना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो जेनेटिक्स वजह से नॉर्मल बॉडी मिल जाएगा। तो नॉर्मल बॉडी मेंटेन करने के लिए भी आपको खाना खाना पड़ता है, एंड हर एक इंसान का जेनेटिक्स अच्छा नहीं होता है, हम लोग को अपना जेनेटिक्स इम्प्रूव करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हम लोग को प्रोटीन लेना पड़ता है। तो इसलिए प्रोटीन हम लोग हर एक डाइट में इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा कि प्रोटीन किस टाइप के खाने में मिलता है। तो गाइस प्रैक्टिकली मैं बोलूँ ना, तो प्रोटीन A to Z आप जितना भी खाना का नाम लोगे ना, हर खाने में मिलेगा, क्योंकि खाना तो तीन ही कॉम्पोनेंट से बनता है ना, खाने में तीन ही कॉम्पोनेंट होते हैं, मैंने बताया था कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन। सो प्रोटीन तो होना ही है उसमें। अब कोई खाने में कम प्रोटीन रहता है, कोई खाने में ज़्यादा प्रोटीन रहता है, कोई खाने में नेग्लिजिबल प्रोटीन रहता है, लेकिन रहता है। भले आप चिप्स का पैकेट ले आओ बाजार से, 0.01 ग्राम प्रोटीन रहेगा, लेकिन रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा। सो अब यहाँ पे हम लोग का चॉइस के बारे में बात आता है कि किस टाइप का फूड हम लोग को खाना चाहिए, एंड इससे तो आप लोग समझ ही गए होंगे इतना देर में कि हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन खोजना पड़ेगा। मैं चिप्स खा के प्रोटीन इंक्लूड करूँगा बॉडी में, तो उसके साथ उतना कार्ब्स उतना फैट्स भी आ रहा है,
जो हेल्दी सोर्स ऑफ फूड नहीं है, जो हेल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कैलोरीज नहीं है। सो इसीलिए हम लोग को ऐसा सोर्स ऑफ प्रोटीन ढूंढना पड़ेगा जिसमें हेल्दी सोर्स ऑफ कैलोरीज भी है और मोर अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी है। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ऐसा फूड खा रहे हो जहाँ पे प्रोटीन कम हो एंड हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो एनिमल है, ह्यूज एंड बहुत ताकतवर एनिमल्स है, एक एलिफेंट हो गया, एक टाइगर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना, एलिफेंट के पास भी बहुत स्ट्रेंथ है, टाइगर के पास भी बहुत स्ट्रेंथ है, या लायन के पास भी बहुत स्ट्रेंथ है, बट दोनों का बॉडी में डिफरेंस है, ठीक है। जो एलिफेंट होता है ना सिर्फ घास फूस खाता है, तो क्या होता है ना प्रोटीन उनको मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ जितना प्रोटीन मिलता है उससे बहुत ज़्यादा कार्ब्स मिलता है, या उस हिसाब से कैलोरी बहुत ज़्यादा होता है, उनका बॉडी फूल जाता है। बट क्या होता है ना, टाइगर या लायन सिर्फ एनिमल्स को खाता है जहाँ पर उसको रॉ प्रोटीन मिलता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग नॉनवेज खाओ कभी भी, या ज़्यादा नॉनवेज खाओ, या सिर्फ नॉनवेज खाओ। मैं खुद नहीं खाता हूँ लेकिन मैं बॉडी मेंटेन करता हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको फूड ऐसा देखना पड़ेगा जहाँ पे आपका प्रोटीन कंटेंट अच्छा हो, चाहे आप नॉनवेज से लो, वेज से लो, वो आपका चॉइस है, बट फूड ऐसा लो कि जिसमें प्रोटीन अच्छे से हो। एंड मैं आपको बताऊँगा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें ये भी बताऊँगा कि किस किस टाइप का फूड में प्रोटीन मिलता है, मतलब वेज सोर्सेस में क्या क्या अच्छा सोर्सेस है प्रोटीन का, नॉनवेज में क्या क्या अच्छा सोर्सेस है प्रोटीन का, डाइट्री में क्या क्या अच्छा सोर्सेस है प्रोटीन का। तो इस जो दोनों वीडियो देखेगा, आपको कभी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं पे भी हो ना आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि मैं आज मैं इस पोजिशन में, इस जगह पर हूँ, मैं क्या चीज़ खाऊँ तो सडनली। एंड कभी भी आपको तुरंत भूख लगे तो आप हमेशा हेल्दियर चॉइस ही खोजोगे कि आप अच्छा खाना लोगे एंड आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रहेगा, ठीक है गाइस। एंड अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि किस एज ग्रुप को लेना चाहिए। देखो गाइस, हर एज ग्रुप को मेरे हिसाब से लेना चाहिए, ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जिसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे से लेके ओल्ड एज तक हर एक को लगेगा। जब कोई एक चाइल्ड होता है, बर्थ होता है, या छोटा बच्चा होता है, उसको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है कि उसको बोन्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो वहाँ पर आप लोग कैल्शियम और प्रोटीन दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। तो बिल्डिंग बोन्स के लिए बच्चे को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बहुत होगा। अब जब आप लोग जब टीन एज में आते हो तो वहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग का बॉडी अच्छा टिश्यू बनाना, प्रोड्यूस करना हेल्प स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे आपको प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा कि आपका बॉडी एक टिश्यू बनाए अच्छे से, मसल पैक करे बॉडी अच्छे से। तो अगर वहाँ पे आप लोग अच्छे से प्रोटीन लोगे तो आपका बॉडी में नेचुरली मसल बहुत अच्छा ग्रो होगा। अब आप लोग जब एडल्ट एज में आते हो, जहाँ पे आप लोग जिमिंग शुरू करते हो, तो वहाँ पे प्रोटीन आपको बॉडी को और हेल्दियर ले जाने में हेल्प करेगा। आप लोग वर्कआउट करेंगे तो उससे शेप में आएगा बॉडी। एंड उसके बाद जब आप लोग ओल्ड एज में जाओगे, अब ओल्ड एज में क्या होता है ना, आप लोग बोलेंगे तो मैं तो बॉडी हो गया रेडी, मैं तो अब लाइफ में भी मैंने सब कुछ कर लिया, इतना प्रोटीन खा लिया। अब ओल्ड एज में क्या होगा, ओल्ड एज में भी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे जैसे आपका ओल्ड एज आता है आपका बोन्स वीक होने लगते हैं। अब वहाँ पर अगर आप लोग प्रोटीन कम कर दोगे ना, तो आपका बोन्स की जो ऊपर जो मसल का लेयर है ना, वो भी कम होने लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत प्रॉब्लम होगा, अर्थराइटिस बहुत जल्दी होने लगता है एंड ऐसी बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है, बोन टूटने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। तो अगर आप लोग उस समय भी प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट रखोगे अपना बॉडी के हिसाब से, तो आपका बॉडी में प्रॉब्लम बहुत कम रहेगा एंड आपका बॉडी हेल्दी रहेगा, ठीक है। एंड ये मैं बताऊँगा भी किस बॉडी को, या कितना वर्कआउट अगर आप लोग करते हो, या फैट लॉस के हिसाब से, या मसल गेन के हिसाब से कितना कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब मैं प्रोटीन के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। सो गाइस, अल्टीमेटली मेरा इस वीडियो का फोकस ये था कि आप लोग प्रोटीन अगर कंज्यूम कर रहे हो ना, तो प्रोटीन एक ऐसा सोर्स से कंज्यूम करो जो हेल्दियर कार्ब्स का सोर्स हो, एंड सेकेंडली उसमें प्रोटीन एडिक्वेट हो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो भी बता देता हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि प्रोटीन किसको कितना लेना चाहिए, ठीक है। प्रोटीन का जो वेजिटेरियन सोर्स है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जहाँ से आप लोग को प्रोटीन मिलेगा, एंड ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक जो आप लोग को पूरा मैं कवर कर दूंगा प्रोटीन के बारे में, आप लोग को पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सो गाइस, आपका भाई का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, एंड मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या हेल्प मिला, क्या चीज़ आप लोग को सीखने मिला इस वीडियो से। एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, एक वीक के अंदर ही मैं डाल दूंगा,
एंड आप लोग दोनों वीडियो देख के अपने आप को पूरा सीख जाइए क्या होता है, प्रोटीन समझ जाइए, उसके बाद मैं फैट लॉस का वीडियो तुरंत ला दूंगा। तो साइनिंग ऑफ अल्टिन देन।